बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, जैसे कि 5.2 के बाद अब 5.3 का नंबर है, और 5.3 में एक नई सीरीज़ सिलसिला इंट्रोड्यूस आपके सामने होगा, और इसमें भी फाइंड द सम आपको मालूम करना है। लेकिन सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस में तब्दीली है, उस तब्दीली को नोट करें। और ये भी मैं बताता चलूं कि इससे पहले जो बुक थी और वहाँ पे इस तरह का कोई भी टॉपिक नहीं था, जो इससे लास्ट टाइम ये बुक पढ़ाई जा रही थी, और उससे भी जो पहली बुक थी उसमें इस टाइप के यकीनन क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाली टाइप बिल्कुल नहीं थी। तो एक नई टाइप के साथ सर शाहिद आपके सामने हाजिर हैं, और क्वेश्चन में हमें सम फाइंड करना है। तब्दीली नोट करते हैं कि इसके अंदर क्या तब्दीली है। तब्दीली नोट करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि इसमें इस टाइप में क्या ऐसी तब्दीली आई है कि इसको किस तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें 3 के बाद 6, फिर 12, फिर 21, फिर 33 आ रहा है। तो बेसिकली इससे पहले हमने जितनी भी दोनों एक्सरसाइज 5.1 और 2 की, तो इस तरह का सीन बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे ना तो डिफरेंस सेम है, ना इसका रेशियो सेम है, और ना ही इससे पहले वाली एक्सरसाइज वाली कोई बात इसमें नज़र आती है। तो एक नई टाइप आपके सामने आई है, और इसमें सिंपल और सिंपल एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, फिर यकीनी तौर पे ये क्वेश्चन आपको इससे पहले दोनों एक्सरसाइज से ज़्यादा आसान नज़र आएगी। वो बात यह है कि सबसे पहले तो हम इसे लेट कर लेंगे SN के इक्वल। SN का मतलब है सम ऑफ एंट्रम, और जैसे दिया है वैसे ही हम लिखते हुए इसे लेट कर लेंगे। और लेट करने के बाद इस क्वेश्चन की ट्रिक, जिसके अंदर 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस है, फिर उससे डबल हो रहा है, और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा डबल हो रहा है, अलबत्ता पहले की नस्बत हर टर्म में जो डिफरेंस है वो तब्दील हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइप को सॉल्व करने का तरीका का ये है कि आप इसी SN को जो कि आपको दिया हुआ है, एक टर्म आपने आगे करके पहले वाले सीक्वेंस के अंदर आपने ऐड करना है, फिर इसके अंदर ऐसी ट्रिक आएगी कि जिसमें ये बासानी सॉल्व हो जाएगा। तो लिहाजा मासी के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और वो कामयाबी के बाद हमारे सामने वो मेथड बन गए और हमें उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे SN और SN में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 सेम टू सेम उतर आएगा, और हर आगे वाली टर्म, जैसे कि हमने इसको आगे लिख दिया हुआ है, और 6 में से 3 को लेस करना है 3 आएगा, 12 में से 6 लेस करेंगे 6 आएगा, इसी तरह 21 में से 12 लेस किया तो आपके पास 9 और आगे आपके पास 12 आया। और लास्ट में याद रहे कि इस सीक्वेंस को हमने AN यानी कि एन टर्म आपने मेंशन करना है, इसकी भी साइन चेंज होगी जो कि नीचे लिख दी जाएगी। और चूंकि SN पहले ख़त्म नहीं होता था, अब 0 हो जाता है, और यही माइनस AN इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। और याद रहे कि आपको ऐसे क्वेश्चन में तकरीबन कंफर्म यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 आपको मिल रहा होगा, लेकिन याद रखें कि पहले 3 को आपने छोड़ देना है, और यहाँ से 3 जो आ रहा है इसमें आपका सेम डिफरेंस आते हुए ये आपके पास AP बन चुका है। और पहली टर्म को जैसे कि 5.2 के अंदर भी हमने किया कि पहली टर्म को हमें छोड़ देना है, और प्लस के बाद अगली टर्म के अंदर एक टर्म की कमी आ जाएगी जो कि हमने ये टर्म छोड़ी है। इसी वजह से जैसे कि ऊपर सम ऑफ एन टर्म बोला गया है, यहाँ पे एन माइनस वन की बुनियादी वजह यही होती है कि हम एक टर्म को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो बैलेंस करने के लिए यहाँ एन के बजाय एन माइनस वन लेना होता है। और ये मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे AN लिख दिया है, चूंकि यहाँ से वो इधर शिफ्ट हो चुका है। अब आपने इधर AP के फॉर्मूले के लिहाज से आपने फार्मूला यूज़ करना है, चाहे तो बाय यूजिंग द फार्मूला, यानी कि TSN का फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन ये सीक्वेंस आपका AP है यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और SN का फार्मूला लगाते हुए जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 4 से है, A आपका फर्स्ट टर्म होता है जो कि 3 है, D आपके सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे तो जो आएगा वो डिफरेंस कहलाएगा, और N जो है N माइनस वन लेना है, जैसे कि यहाँ जो लिखी हुई है यही फार्मूला ऑपरेट करते हुए 3 तो सेम होता रहेगा, बाकी यहाँ पे आपका N की जगह N माइनस वन अपॉन टू करके फार्मूले के मुताबिक AD की वैल्यू रखते हुए N माइनस वन रखते हुए, और जैसे ही हम इस प्रोसेस को आगे मूव करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 3N आने के बाद जैसे कि इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मजीद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में N आ रहा है, लेकिन हमें 2 को 1/2 करके सेपरेट कर दिया। अब इस क्वेश्चन की जो आगे की ट्रिक है वो बिल्कुल वैसे ही है जो इससे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और आगे लेके चलते हैं आपको, और नेक्स्ट पेज पे यही वैल्यू को एक दफ़ा हम दोबारा कॉपी करेंगे। तो जैसे कि हमने इसको दोबारा कॉपी कर लिया है, और इसलिए किया है ताकि इस पेज पे आपको यह नजर आता रहे। अब आपने लिखना है फॉर सम ऑफ द सीरीज,
और एस एन दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा और 1/2 जैसे कि कॉमन है, और इसके बाद आपका सिग्मा एन यानी कि यहाँ पे एन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपका जो है वो 1 नंबर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 3 साइड पे आ गया, एन स्क्वायर आ गया, और इसी तरह -3 सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन के बाद 6 है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि सिग्मा एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने याद किया, ये तो 3 यहाँ से रिपीट हुआ है, फॉर्मूला था वो एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6, और 3 वैसे ही आया। इसी तरह सिग्मा एन का भी फॉर्मूला था जो कि एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन 2। और ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होती है इसके साथ हम एन हमेशा मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में नहीं आ रहा, नो टेंशन, मेथड है, मेथड को याद रखना पड़ता है। यहाँ पे एन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर करना क्या है कि तमाम टर्म के अंदर एन मौजूद है, हमने कॉमन ले लिया, टू तो ऑलरेडी पहले से मौजूद था, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि ऊपर 3 है नीचे 6 है तो छोटा करने के लिए डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 1 है। एलसीएम लेने के बाद देख सकते हैं 6 2 12 हो गया, बाकी दोनों 2 होने की वजह से ये दोनों सेम टू सेम आ गए। अब चाहते तो हम इन दोनों में से एन प्लस 1 कॉमन ले सकते थे, लेकिन फायदा कोई ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, तो हमने इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई किया। देख सकते हैं, स्टिल कर लें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन देख रहे होंगे 2 4 कैसे हुआ भाई, ये 2 यहाँ से यहाँ आके मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, और फिर इसके बाद हमने इसको भी ब्रैकेट के अंदर जाने को कहा, और जाने के बाद इसने साइन भी बदल डाली, और उसके बाद 2n² अकेला है यानी कि और कहीं नहीं है, और 2n 1n, और जैसे कि आगे भी आपको n की टर्म्स दी हैं उसको ऐड करने के बाद ये प्लस का 3n माइनस का 3n कैंसिल हो गया, और 13 में से 3 लेस होने के बाद प्लस 10 और 2n² है। अब 2 हमने मजीद कॉमन ले लिया ताकि ये 4 थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का मजीद है जो कि लास्ट है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा, आपने खुद करना है और कॉमेंट के अंदर बताना है कि आपका जवाब आया कि नहीं आया। अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे है, तेजो तेज स्पीड से चलते हैं। अब लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, इधर भी आप देख सकते हैं कि 5 के बाद 10 फिर 17 फिर 26 फिर 37, तो वही तरीका का लेट करेंगे। लेट करने के बाद एक टर्म आगे मूव करते हुए आप इसमें से यानी कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 5 जैसे कि मैंने कहा, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए, तो आगे आपका जो 5 7 9 11 इसमें 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, और लास्ट में ये ना भूलिएगा माइनस ए एन आ जाएगी जो कि लास्ट टर्म को इंडिकेट कर रहा है, इसको इधर ले आएंगे, और पैरी टर्म को अलग रखते हुए आगे वाले सीक्वेंस को ब्रैकेट में बंद करते हुए एन माइनस 1 क्यों लिखा समझ चुके होंगे, इस टर्म को हमने चुके अपने सीक्वेंस से सीरीज से हटा दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमने एक टर्म अगर फोर्स करें एन 10 टर्म में तो एक टर्म ये कम हो गई, तो 10 में से 1 लेस करेंगे तो क्या होगा 9। यकीनी तौर पे मुमकिन है इस लम्हे आपको मुकम्मल एन माइनस 1 समझ में आ चुका हो। तो अब आगे आपने फॉर्मूला एपी का लगाया, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि एपी का ये सम का फॉर्मूला है, बिल्कुल उसी तरह 5 को अकेला छोड़ दिया, इसकी किस्मत में ही अकेला रहना है, और आगे हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में था, आप देख सकते हैं आपको किसी ने नहीं रोका, वीडियो को स्टिल करें, स्क्रीनशॉट लें ताकि आप अपने हिसाब से देख सकें कि किस तरह से वैल्यू रखी गई है, और रखते रखते पैरी टर्म को अलग रखते हुए इन दोनों ब्रैकेट्स को जैसे हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हमने फिर एलसीएम लेने के बाद सारा कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, और करने के बाद हमारे पास इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा था, नीचे का 2 का हमने सफाया कर दिया और अपॉन में 1 आ गया। अब यही वही सिचुएशन है कि हम यहाँ सिग्मा एन को मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ, तो इसको नेक्स्ट पेज पे उतारते हुए आगे चलते हैं। आगे हम आ चुके हैं और ये टर्म हमने दोबारा कॉपी कर लिया है, और 5.3 को आगे बढ़ाते हैं, और फॉर सम ऑफ द सीरीज, तो अब सिग्मा एन स्क्वायर फिर सिग्मा एन फिर कांस्टेंट 2 और फिर फॉर्मूले अप्लाई करते हुए सारे फॉर्मूले लिख डाले, और यहाँ पे एन को लिखना 2 के साथ बिल्कुल नहीं भूलना आपने, और फिर हमने यहाँ से एन कॉमन ले लिया, अंदर एलसीएम आ रहा है, एलसीएम के बाद इस 6 को एन के नीचे ले गए और दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6 अंदर चले गया, फिर 2n² पहले की तरह, और एन को तमाम को जैसे ऐड करेंगे तो 9n आ जाएगा, और याद रहे कि इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया, 3 बार किया फिर जाके इसका आंसर आया, और यकीनी तौर पर जब हमारे सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं तो हमारी कई गलतियाँ पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद हम गलती से बच जाते हैं, लेकिन जब हम बगैर स्टूडेंट के ये वीडियोस को के लिए क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। और इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड किया तो एक प्यारा सा एक और आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो होमवर्क है आपकी खिदमत में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पेश किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जो कि आपका होगा होमवर्क। और याद रखिएगा मेरी सिर्फ फीस ये है कि जब आप ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लें तो मुझे आप मैसेज करके कॉमेंट करके बता दें कि ये हो गया। 6 जैसे कि
क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपका बाकी है, और इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली है, और वो तब्दीली आपको साथ साथ ही हम एक्सप्लेन करते हैं। कि सबसे पहले तो ये कि शायद आपको स्टार्टिंग में ना पता लगे कि यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसेस है जो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 वाला है, लेकिन एपी के बजाय यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगेगा, जिसका आपको वही तरीके के बाद थोड़ी देर के बाद इल्म होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया है, लेट करने के बाद बिल्कुल जो आपको सीरीज दी है बिल्कुल सेम टू सेम हमने लिख लिया है, और वही सीरीज को एक टर्म आगे मूव करते हुए एसएन के नीचे तो एसएन रहेगा, लेकिन पहली टर्म के को जो है मतलब पहली टर्म आपकी जो 3 है वो 6 के नीचे, और सेकंड टर्म आप थर्ड टर्म के नीचे, और थर्ड टर्म के नीचे आप सॉरी फोर्थ टर्म के नीचे थर्ड टर्म को लिख देंगे। इसी तरह आगे भी करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों आपकी तकरीबन हर क्वेश्चन में ही सेम आती है, लेकिन ये सीक्वेंस का और सीरीज का ये हिस्सा नहीं बनता, जिसकी वजह से इसे अकेला छोड़ दिया जाता है, और ये जो लास्ट का ए एन है इसको यहां मूव करके इसे ए एन टर्म बना दिया जाता है। और यहां पे आप देखें आपके पास 315 75 375, ये आपके पास डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, आपका रेशियो सेम आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 6, जिसके अंदर यहाँ एपी के बजाय जीपी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर नेक्स्ट टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से मतलब कि सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से करें, तो रेशियो आपका सेम आ रहा है, जो कि यहाँ पे रेशियो आपका 5 आ रहा है, और 5 रेशियो इस चीज को शो करता है कि हमारे पास जीपी है, और यहाँ पे रेशियो चूंकि आपका 5 आना यानी कि आर ग्रेटर देन 1 है, और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस लिहाज से एस एन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, और यहाँ पे 3 टर्म वैसे की वैसे रहेगी, और यहाँ पे ए यानी फर्स्ट टर्म आपकी 3 है और रेशियो 5 है, एन माइनस 1 इसलिए आया कि एक टर्म कम होने से यहाँ पे हम एन की जगह एन माइनस 1 लिखते हैं। इस पे आप परेशान ना हो, ये कैंसिल किया क्योंकि यह वाला ए एन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, अब 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ चुका है। अब थोड़ा सा बुक का आंसर लाने के लिए कुछ स्टेप्स को बुक के आंसर के मुताबिक मैनेज करने पड़ेंगे, और 5 की पावर एन अलग से और माइनस 1 अलग से लिखने के बाद आपने नेक्स्ट टर्म में 3 के नीचे 4 अलग से दे देना है, और ये 5 की पावर नेगेटिव अपॉन में आते हुए 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास 3 टर्म आ चुकी हैं, और अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद 4 5 था और 5 3 था 15, और इसी तरह ये 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसको कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम आ जाएगा। फिर इसके बाद बुक का फिर मैं कहते हुए कि आंसर लाने के लिए अब हमें यहाँ पे इन दोनों कांस्टेंट को एक बनाते हुए रिवर्स एलसीएम मैं अक्सर ये वर्ड बोलता हूँ, जिसका मतलब होता है कि इस टर्म के डिफरेंस लेने के बाद इसके नीचे 20 अलग से लिख देंगे और इसके नीचे 20 अलग से लिख देंगे, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये चीज दोबारा कॉपी करेंगे। ये चीज हमने कॉपी कर ली हुई है, और कॉपी करने के बाद फॉर द सम ऑफ द सीरीज कहते हुए हमें सिग्मा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को आपको पता है कि जैसे ही हम 9/4 करेंगे तो इसके साथ एन को अप्लाई करेंगे लिखेंगे, और यहाँ पे 3/20 कॉमन है, और अंदर यहाँ पे अब एक तब्दीली आई है जो कि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे, कि यहाँ पे 5 की पावर जब एन लिखा हो तो एन बेसिकली नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है 1 2 3, तो इस तरीके से आपके पास ये जीपी बन जाता है, दोबारा जीपी बन रहा है, और जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमने ए को 5 और रेशियो दोबारा 5 आने के साथ साथ हमने आर को दोबारा 5 लिखा है, और जैसे ही दोबारा सम का फॉर्मूला यूज किया, और ये सारी इस क्वेश्चन को आंसर निकालने की ट्रिक है, टेक्निक है जो फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो 5 है वो 20 से कैंसिल होने के बाद आपके पास यकीनी तौर पे जब कैंसिल होगा, और 4 नीचे से 5 माइनस 1 को लेस किया तो 4 आया, जो कि 80 बनता था, लेकिन क्योंकि डिवाइड के बाद ऊपर 3 आने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 4 4 16 हो गया। ये टर्म वैसे के वैसे ही है। अब बुक का आंसर लाने के लिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे 36n+3 ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर n-1/16 आ रहा है। अब मसला यहाँ पे ये खड़ा हो गया कि आपके पास इस क्वेश्चन का बुक के अंदर आंसर ये वाला दिया हुआ है, और ये वाला आंसर काफी ज्यादा इसने टेंशन डाली, और 2 बार इस क्वेश्चन को करना पड़ा, और फिर भी दोनों बार आंसर ये आने के बाद इस आंसर पे शुबा पड़ा, और इसकी हमने कंफर्मेशन की कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बुक का आंसर गलत है, और कंफर्मेशन के बाद ये साबित हुआ कि बुक का आंसर गलत है। और कैसे कंफर्मेशन की आपको हम डिस्कस करके बताते हैं, कि हम सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 36n+3 ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर n और -1/16,
बुक का आंसर हम नहीं फॉलो करेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत है, मैं तस्दीक कर चुका हूँ। लेकिन हमारे पास जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस किस तरह का लिखा हुआ था, जो कि आपको पता है ये इसका क्वेश्चन था 3 + 6 + 21, अच्छा इससे आगे 96। लेकिन हम इस तरह इसको कंफर्म करेंगे कि हमारा आंसर ये सही है कि गलत है, क्योंकि ये जो आया ये SN आया, सम ऑफ n टर्म। तो हमारे इस सीक्वेंस का जो सम है वो अगर n को 3 रखने पे इन तीनों का टोटल आ रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये आंसर ठीक है। तो बिल्कुल यही काम करते हैं कि हम n को रखने को हम 2 भी रख सकते हैं, तो 6 और 3 9 आ जाएगा, लेकिन हम 3 इसलिए रख रहे हैं कि ये तीनों का सम अगर टैली होगा तो ये मुकम्मल आपको तसल्ली बख्श आंसर समझ आ जाएगा। तो n को 3 रखते हैं, और जैसे 3 रखा तो यहाँ पे s 3 आ जाएगा, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 3 है, 5 की पावर भी 3 आ गया, माइनस का 1 है, अपॉन में 16 है, कैलकुलेटर मौजूद नहीं लेकिन जहन मेरे साथ है, 108 आ गया, प्लस उसके बाद यहाँ पे 3 के बाद 125 है और माइनस 1 भी करना है, नीचे 16 है, और मजीद आगे चलते हुए 108 है और 3 के बाद मल्टीप्लाई 124 अपॉन 16, इसी तरह 108 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 372 आएगा और नीचे 16 है, इसका आंसर 30 आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 480 हो जाएगा। और 16 के टेबल में जहां तक मेरा ताल्लुक है 3 ज़ा होता है 48, और 3 के साथ ये 0 लगाते हैं तो ये लो भाई आपका आंसर 30 इधर भी आ रहा है, और इसको भी ऐड करेंगे 369 और 9 और 21, तो पता है आजकल महंगाई तो बहुत हो गई, लेकिन ये भी 30 हो रहा है, तो इसका भी 30 आना है, इसका भी 30 आना है, इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा ओके है। जबकि बुक वालों ने जो परेशान किया है, गलत आंसर दिया है, इससे बचे, और इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा सा कॉमेंट होना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, होमवर्क में 6 मैंने करवा दिया, 4 आप करें और बताएंगे आपका आंसर क्या आया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।